मंडूकासन का अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, बैठ के करने वाले आसन। ये इतना लाभकारी आसन है कि इसको यदि 5 से 10 बार नियमित रूप से किया जाए तो कभी भी शुगर की बीमारी हमको या आपको नहीं पकड़ेगी, मधुमेह की बीमारी कभी नहीं होगी। तो सीधे बैठ जाइए वज्रासन में, दोनों हाथों को आगे करिए, इस प्रकार अंगूठा को अंदर करिए और चारों उंगली को ऊपर से रख लीजिए, मुट्ठी बंध गया, दोनों मुट्ठी को सटा लीजिए आपस में और केहनी को मोड़ते हुए मुट्ठी को आप नाभि की तरफ ले आइए, इस प्रकार हो जाएगा, और नाभि के बीच में रखिए मुट्ठी को, सांस भरिए, सांस को छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए और आगे की तरफ झुक जाना है धीरे धीरे, गर्दन को उठाइए धीरे धीरे आगे से, छाती घुटना में सटा हुआ, केहनी को थोड़ा जमीन की तरफ झुकाएंगे तो मुट्ठी अंदर जा रहा है, पैंक्रियाज के ऊपर दबाव और सांस को रोक के रखेंगे। फिर सांस को आप भरते हुए सीधे बैठ जाइए, फिर एक बार करिए। मंडूकासन का बहुत लाभकारी अभ्यास है, ऐसे मुख्य देखिए अंदर अंगूठा करिए, मुट्ठी बांधिए ऐसे, हाँ नाभि पे रखिए, बहुत अच्छा अभ्यास, सांस को छोड़ दीजिए और आगे झुक जाइए, धीरे धीरे सीधा हो जाए। इसको 5-7 बार करिएगा, ये पहला अभ्यास है। दूसरा अभ्यास में बाएं हथेली को नाभि के ऊपर और दाहिना हथेली उसके ऊपर रख लीजिएगा, फिर सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और पहले की तरह झुक जाएंगे। गर्दन उठाओ बाबू, गर्दन उठाओ और ऊपर, गर्दन को आसमान की तरफ उठा कर रखना है और दोनों कंधा को घुटना पे जता कर रखना है, धीरे धीरे उठ जाइए। एक बार हथेली बदल दीजिए दूसरा, अब दाहिना नीचे बायां ऊपर, सांस को भरिए, सांस को छोड़िए, फिर आगे झुक जाइए, धीरे धीरे सांस को भरते हुए सीधा हो जाए।